हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ परवल का चोखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज परवल का चोखा कैसे बनाते हैं। चोखा बनाने के लिए मैंने 6-7 परवल ले लिए हैं। परवल छोटे छोटे से मिले थे मुझे मार्केट में, इसलिए मैं इस छोटे वाले परवल का ही बना रही हूँ। तो इन परवल को मैंने दोनों साइड से कट कर लिया है, सबको देख लीजिए। अब उसके बाद अगर आपके पास स्टैंड है पकाने वाला तो आप उसमें पका सकती हैं। मेरे पास स्टैंड नहीं है तो मैं इसमें भी रख के पका सकती हूँ। मैं गैस ऑन करके अब इसके ऊपर डायरेक्ट ये रख दूंगी। देखिए अब इसमें भी आराम से ये पकेंगे। थोड़ा सा गैस का फ्लेम लो कर दूंगी और ये आराम से पकते रहेंगे। इसको मैं बीच बीच में पलटते रहूंगी। देखिए मैं बीच बीच में इसे ऐसे घुमा घुमा के पलट लूंगी। मैं इसे लो फ्लेम पे ही पकाऊंगी क्योंकि ये हाई फ्लेम पे करने पे ऊपर से तो जल जाएंगे बट अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, इसलिए मैं इसे लो फ्लेम पे ही पकाऊंगी। देखिए परवल पक रहा है, इसमें से एक दो पक भी चुके हैं, मैं निकाल लेती हूँ उसे। मैं इन्हें साइड साइड से भी पका ले रही हूँ। उबाल के तो सबको ही बना लेते हैं, वो टेस्ट नहीं लगता उसमें, मीठापन नहीं आता उसमें, उतना टेस्ट नहीं आता जितना इसमें टेस्ट आता है। अब मैं इसी में दो टमाटर पकने के लिए रख देती हूँ। इसे भी लो फ्लेम करके पका लेती हूँ। तब तक मैं जो ये परवल जो पकाई हूँ उसको मैं ऐसे ऐसे करके इसकी जो भी एक्स्ट्रा कालिक है उसे निकाल लूंगी। मैं परवल को एक साइड कर लेती हूँ और इसे फेंक दूँ। मैं टमाटर को भी इसे घुमा घुमा के पका रही हूँ। देखिए अब मेरे टमाटर पक चुके हैं, अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। और मैंने अब एक बोटी लहसुन की उसको अलग अलग कर लिया है और 4-5 हरी मिर्च जो सूखे थे उसे भी इसी तरह गैस पे पका लूंगी इसी में डाल के। थोड़ा सा पकाना है इसे। मेरे हरी मिर्च पक चुके हैं, मैं लहसुन को थोड़ा ज्यादा देर तक पकाऊंगी क्योंकि इसमें अंदर तक पकाना है इसे। देखिए मेरे लहसुन पक चुके हैं, अब मैं इसे भी एक साइड में बाहर रख के उसके छिलके हटा लूंगी और टमाटर के छिलके हटा लूंगी। देखिए मैं टमाटर के छिलके हटा रही हूँ। अब मैं इन सबको एक मिक्सी जार में रख के सबको पीस लूंगी। सब हो गए, अब मैं इसे पीस लेती हूँ। पानी नहीं डालना है, बिल्कुल पानी नहीं डालना है इसमें। ये देखिए ये पीस चुके हैं बिना पानी डाले। देखिए मेरी चटनी चोखा बनके रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी टेस्ट अनुसार। नमक बोलती हूँ चोखा चटनी में नमक थोड़ा तेजी होना चाहिए। एक चम्मच के हिसाब से तेल डालूंगी। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तेल में आपको सरसों तेल ही यूज करना है, खास करके ध्यान रखें। और नमक थोड़ा तेज ही रखना है, मिर्ची भी थोड़ी जितनी हो सके। थैंक यू।